देव प्रबोधिनी एकादशी के समय हम सभी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व क्या है। देव प्रबोधिनी एकादशी को हम देशी भाषा में, ग्रामीण भाषा में देव उठान कहते हैं। देव उठान आज के दिन से, देव उठान के दिन से हिंदुओं के विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। इसको जो है, इस देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विष्णु विवाह होना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, देव उठान इसका नाम इसीलिए है कि इसमें देवता शयन किए हुए होते हैं। चार महीने तक देवताओं का शयन चलता है, चार महीने तक देवता शयन करते हैं। इसीलिए आज के दिन देवताओं को प्रबोधन किया जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, ब्रह्मेंद्र रुद्राग्नि कुबेर सूर्य सोमादिभिर वंदित वंदनीय और बुद्धस्य देवेश जगन्निवास मंत्र प्रभावेण सुखेन देव। इस ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि कुबेर सूर्य सोम आदि समस्त देवता जितने भी वंदनीय हैं, देवता हैं, उन सबका शयन होता है और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन ये सभी देवता उठते हैं और इनको उठाया जाता है। किस मंत्र से उठाया जाता है, हम सभी इसको सुने। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा व्यच्चैव निर्मलम निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। हे गोविंद, उठिए, अपनी निद्रा को त्यागी। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते, हे जगत के स्वामी, हे गोविंद, अपनी निद्रा को त्यागी। उत्थिते चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, आपके उठने से, आपकी चेष्टा करने से समस्त जगत चेष्टा करता है। त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाग्यैव प्रातः समुत्थाय त्व प्रियार्थम संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये। आपके ही द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है, इसलिए आप उठें और आप सभी जीवों का कल्याण करिए। इसमें जो है गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मलादिशः, हे गोविंद, मेघ गए हैं, मेघ जा चुके हैं और बादल आसमान निर्मल हो चुके हैं। निर्मलम निर्मलादिशः, सारी दिशाएं निर्मल हो चुकी हैं। और शारदानि च पुष्पाणि, और शारदोक्त पुष्प फल, नवीन ऋतु फल, सिंघाड़े हैं, बदरी फल हैं, पुष्प हैं, फल हैं, उनका आप सेवन करें, क्योंकि इन दिनों गन्ना पक जाते हैं, बेर पक जाते हैं, सिंघाड़े उत्पन्न होने लग जाते हैं, नाना प्रकार की सब्जियां, नाना प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग जब देव उठान करते हैं, जब पूजा करते हैं घर में, ग्रामीण स्तर से देखें तो गाय के गोबर से लीप करके उसमें देवताओं की भीति पर और भूमि पर, गाय के गोबर पर चित्र चंदन से चित्र चर्चित किया जाता है। भगवान विष्णु को शेषनाग पर क्षीर समुद्र में सुले हुए भगवान विष्णु हैं और समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा फोटो बना करके वहाँ पर बहुत सारे फल, मिष्ठान, सब्जियाँ, हरे साग, बदरी फल, सिंघाड़ा है, नई नई सब्जियाँ हैं, मूली है, इत्यादि सब्जियाँ हैं, उनको रख करके और देवताओं का अर्चन किया जाता है। नाना प्रकार के पुष्प रखे जाते हैं उस दौरान। तो लिखा हुआ है उस समय जो है मंगल श्लोकों का वाचन करना चाहिए। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। तो देखिए, ये देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन क्या क्या कृत्य किए जाते हैं और क्या क्या अनसुने रहस्य हैं जिनको हम लोग जानते ही नहीं हैं, मगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि देव प्रबोधिनी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सज्जनों, एक तो ये देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति होती है। देखिए, चातुर्मास्य विष्णु जो व्रत है ये प्रारंभ कब से होता है, ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन ये चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ होता है। उस दिन जो है विष्णु शयनी एकादशी के नाम से भगवान विष्णु शयन करते हैं। उस जब से जो संत हैं वानप्रस्थ, हमारे सनातन धर्म में चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कुछ गृहस्थी वानप्रस्थ का पालन करने वाले, सन्यास
जीवन का यापन करने वाले चातुर्मास्य व्रत करते हैं। उसमें कुछ नियम होते हैं, एक तो चातुर्मास्य में एक जगह पर ही रहना, ऐसे समय में ज़्यादा घूमना फिरना, क्योंकि जीव हिंसा होती है, क्योंकि बरसात ऋतु में अनेकों प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा नक्त भोजन, एक समय भोजन करने का विधान शास्त्रों में दिया हुआ है। और परान्न त्याग, पराया अन्न भी ग्रहण करने का निषेध है, कुछ चीज़ें वर्जित हैं। पात्र में भोजन करना, संत लोग ऋषि लोग आज भी ऐसे हैं जो कि पत्तल में भोजन करते हैं चातुर्मास्य के समय, थाली में नहीं, किसी भी पात्र में जो है भोजन नहीं करते, पत्तल में भोजन करना। श्रृंगार त्याग देना, प्रातःकाल शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। और कुछ लोग तो केवल दूध पय आहार लेते हैं, पयाहार लेते हैं, पंचगव्य प्राशन पूर्वक, और खाट खटिया पलंग का त्याग, भूमि में शयन करते हैं। और कुछ लोग जो गृहस्थी होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करके पत्नी के संग से वर्जित हो जाते हैं, मिथ्या बोलना बंद कर देते हैं, मांस शहद मूली बैगन इत्यादि वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। देखिए, जब जो है आषाढ़ शुक्ला एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी होती है, उस समय किस मंत्र से देवता को शयन किया जाता है? हमारे यहाँ देवालयों में मंदिरों में इसका बड़े ही विधि विधान से और पालन होता है। तो देखेंगे इस शयन का मंत्र क्या है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन शयन मंत्र, सुप्ते त्वये जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे च विबुद्धेत प्रसन्नो मे भवाभ्यय। हे अव्यय, आप सो जाते हैं तो संपूर्ण जगत सो जाता है, और आपके जगने से सारा चराचर जगत जग जाता है। इसीलिए अब आप शयन करिए, और आप शयन करके भी जगत का मंगल करिए। तो देखिएगा, अब देवता को शयन कराया जाता है, अब देवता की करवट बदली जाती है। रात्रि में तो शयन करवाया जाता है, और संधि के समय में करवट बदली जाती है, और दिन में जगाया जाता है भगवान को। तो देखिएगा, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अनुराधा नक्षत्र के तृतीयांश में, एक नक्षत्र लगभग 60 घटी का होता है, और 60 घटी का नक्षत्र होता है तो उसमें जो है 20-20 घटी के तीन हिस्से कर लिए जाते हैं। तो तीन हिस्से इसमें लिखा हुआ है कि शयन अनुराधा नक्षत्र के तृतीयांश में, करवट परिवर्तन श्रवण नक्षत्र के मध्य में, और उत्थापन रेवती नक्षत्र के अंतिम तृतीयांश में। अनुराधा, श्रवण और रेवती, भगवान विष्णु का अनुराधा नक्षत्र के तृतीयांश में शयन कराया जाता है, श्रवण नक्षत्र के तृतीयांश में भगवान का जो है करवट परिवर्तित की जाती है, और जिसको डोला की एकादशी कहते हैं। हमारे यहाँ जब भगवान शयन कर जाते हैं आषाढ़ में, तो भाद्रपद में शुक्ला एकादशी के दिन उस समय श्रवण नक्षत्र होता है, उसमें भगवान को करवट बदलाई जाती है, भगवान को डोला की एकादशी, झूलनी एकादशी, तब भगवान को देवालय से डोला में बिठा करके रथ यात्रा पूर्वक तालाब में सरोवर में नदी के किनारे ले जाया जाता है, भगवान को झूला झुलाया जाता है। उस समय कटी परिवर्तन, भगवान की कमर बदलते हैं, भगवान करौंट लेते हैं, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहें तो, मध्य भाग में कटी परिवर्तन होता है, और तृतीयांश में रेवती नक्षत्र के अंतिम तृतीयांश में, रेवती नक्षत्र के अंतिम तृतीयांश में भगवान का उत्थापन होता है, जो कि कार्तिक मास में अभी आने वाला है आपके समक्ष। इसी कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र के अंतिम तृतीयांश में देवता का उत्थापन किया जाता है। तो देखिए, उस समय जो है जब देवता का कटी परिवर्तन कराया जाता है, तो उस समय का मंत्र है देवता की, हम लोग घर में देवालय बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय भगवान का परिवर्तन, कटी परिवर्तन कराना चाहिए। उस समय का मंत्र है वासुदेव जगन्नाथ प्राप्येयम द्वादशी तव और पार्श्वेन परिवर्तस्व सुखम स्वपिहि माधव। हे माधव, आप कटी परिवर्तन करिए। ये कार्तिक देवोत्थापन करते समय और इन इन चीजों का, इन मंत्रों को बोल करके देवता का उत्थापन किया जाता है। कौन सा मंत्र है? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते उत्थिते चेष्टते सर्व मुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाणं मम केशव। इस समय इस मंत्र से
इस मंत्र को बोल करके देवता का उत्थापन करना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, इस प्रकार जो है देव प्रबोधन करना चाहिए। अपने घर में सुंदर गाय के गोबर से लीपना चाहिए, और ये स्वर्णमयी विष्णु की मूर्ति हो, नहीं तो जो हमारे भारत की जो परंपरा है, अपने देशाचार कुलाचार की परंपरा है कि भूमि में ही गाय के गोबर से लीप करके और भगवान विष्णु को शेष सा शेष पर सोए हुए क्षीर समुद्र में शयन कराए हुए इंद्रादि देवता स्तुति कर रहे हैं, वो बना करके और एक पात्र से उसको ढक दिया जाता है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसमें नवान्न नए खाद्य पदार्थ, नए फल सब्जियाँ और नए पुष्प उस दलिया के अंदर भगवान के अर्चन किया जाता है, पंचगव्य प्राशन उसमें पंचामृत से भगवान का पूजन कराया जाता है, सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति बना करके और उसमें भगवान का पूजन किया जाता है। ये देव उत्थापन की विधि है, इसको विधि पूर्वक करना चाहिए।